अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू SN व्लॉग्स वर्ल्ड। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का खट्टी हलवा। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक प्याली सूजी, एक प्याली शक्कर, आप चाहें तो चीनी या गुड़ भी ले सकते हैं। एक ग्लास पानी, चार सब्ज इलायची, किशमिश और नारियल, पिस्ते, बादाम और अखरोट जिनको मैंने चॉप कर लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिए दो पैन, एक में मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी डाल दी है और एक पैन में मैंने पानी डाल के शक्कर डाल दी है शीरे के लिए। तो जितनी देर में शीरा बनता है उतनी देर में हम सूजी को ब्राउन कर लेते हैं। तो घी गर्म हो गया, सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज इलायची। सब्ज इलायची को थोड़ी देर भून लेंगे। मैं डाल दूंगी सूजी। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक घी में भूनेंगे। शीरा देख लेते हैं, शक्कर अच्छे से घुल गई है, शीरा तैयार है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। भून गई है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं डाल दूंगी शीरा। फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। मैं डाल दूंगी नारियल और किशमिश। इसको इतना भूनेंगे कि घी हलवे से अलग हो जाए। चम्मच मुसलसल इसमें चलाते रहेंगे हम। हाफ पिस्ते, बादाम और अखरोट में इसमें डाल दूंगी। हाफ मैंने बचा ली है गार्निशिंग के लिए। दस से 12 मिनट होते हैं मुझे हलवा भूनते हुए। पानी इसका खुश्क हो चुके हैं। वन टेबल स्पून देसी घी में और डाल दूंगी। मिनट और इसको भून लूंगी।
5-6 मिनट मज़ीद इसको भून लिए, बहुत अच्छे से भून गया हलवा। तो जिनको सूजी का हलवा नहीं पसंद वो एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, उनका दिल करेगा वो बार बार बनाएं, स्पेशली जब बारिश हो रही हो। चलिए जी, फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और हलवे को डिश आउट करूंगी। मैंने सूजी का हलवा तैयार कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, स्पेशली अगर बारिश हो रही हो तो उसका लुत्फ दोबाला कर देता है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, अल्लाह हाफिज़।